नमस्कार। वृश्चिक राशि पर विशेष रूप से अगले 5-6 मिनट आपके साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। इस बात पर बहुत लोगों की शंकाएं हैं कि वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में चल रहे वक्री शनि का जो प्रभाव है वो वृश्चिक राशि पर कैसा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों की शंका होती है। कारण कहाँ है? कारण ये है कि लोग बाग जब वीडियो चल रहा होता है उसको एकाग्रता से नहीं सुनते हैं। तो प्लीज आप लोग एक बार ध्यान से सुन लें। अगर नहीं सुनना तो पूरा बिल्कुल मत देखो, सरसरी निगाह से थोड़ा सा आगे से थोड़ा पीछे से देख लिया तो आपको कंफ्यूजन होता है। तो मैं क्लियर करता हूं दोबारा। एक वीडियो में मैंने बताया था वृश्चिक राशि के कि मंगल भी ऊर्जा प्रदान कर रहा है वृश्चिक को और बृहस्पति भी। तो लोग सवाल क्या पूछा, कौन सा ग्रह ज्यादा दे रहा है, कौन सा ग्रह कम दे रहा है, दोनों दे रहे हैं या एक दे रहा है। तो अब ये क्या सवाल है, और बिना बात की अपनी ऊर्जा खराब कर रहे हैं और मेरी भी। तो इसलिए ऐसे प्रश्न ना पूछें। आइए शुरू करते हैं। नंबर एक प्लस पॉइंट वृश्चिक राशि के लिए, बहुत सुंदर, आपकी राशि का स्वामी आपको ही देख रहा है, राशि को सुरक्षित और मजबूत, धन धान्य से परिपूर्ण, समृद्ध और कार्यों में निपुण बना रही है ये राशि आपको, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी आपकी राशि को ही देख रहा है। बहुत जोर जोर से बोल रहा हूं, आपको समझना चाहिए। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा, जो ग्रह अपनी राशि को खुद देखता है या वहां उसी के साथ बैठता है, उसकी वृद्धि करता है, निरंतर वृद्धि मजबूत कर देता है, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी कि ईश्वर के तुल्य उसकी रक्षा करता है, जैसे भगवान रक्षा करते हैं। भगवान ने जैसे ध्रुव और प्रह्लाद की रक्षा की थी, फिर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि मंगल की राशि पर है, वृश्चिक पर, और वो उसके लिए मित्र राशि है, शत्रु राशि नहीं है। दो बात बड़ी क्लियर होगी। अब जो आपका मुख्य सवाल और उत्तर क्या है उसको दोबारा फिर सुनिए। 29 जून को आपकी कुंडली के गोचर के अनुसार तीसरे भाव में शनि का प्रभाव शुरू हो जाएगा और ये रात को 12:00 पर 29 जून को शनि आपके लिए, जो कंटक शनि की ढैया के स्वरूप में बने हुए थे शब्द हो गया, अभी पास्ट टेंस हो जाएगा, क्योंकि 29 जून इसी के महीने में रात को 12:00 पर। तो अब लोग आप ये प्रश्न पूछने लगते हैं कि क्विक एकदम सही आंसर दो, रात को 12:00 कौन उनको एकदम नौकरी देगा? तो दिन निकलने की प्रतीक्षा करना। कुछ लोग तो घड़ी लेके बैठे, 12:00 इतने मिनट हो गए, बस अब अच्छा हो गया। तो एक दो दिन के बाद आपको खुद ही अच्छा महसूस होगा। पराक्रम वृद्धि करने वाला स्वग्रही शनि आपके तीसरे भाव का फल देगा, फल दे रहा है, ये सब शब्द समझिए। और है वो चतुर्थ भाव में शनि अपनी राशि में है, अगर फल दे रहा तो भी अपनी राशि को ही दे रहा है, किसी का अनिष्ट नहीं कर रहा है, किसी से उधार मांग करके ऊर्जा शनि ना ले रहा है और ना दे रहा है, राशि अपनी है उनकी, स्वग्रही। प्लस पॉइंट क्या हुआ, बृहस्पति आपकी राशि पर जब बैठता है सप्तम भाव में, बृहस्पति की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर भी होगी। तीसरे भाव में आपकी गुरु की दृष्टि होगी और आपकी राशि पर भी होगी और आपके लाभ स्थान पर भी होगी। ये बात वो लोग बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे जिनको इसकी ज्योतिष की
बेसिक जानकारी है या जो सीख चुके हैं हमारे बोलने से, कई बहुत लोग हैं उड़ीसा, आसाम, कलकत्ता, चेन्नई और इधर जे एंड के विदेशों में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, कतर, अम्मान, जॉर्डन और यूएई, सारे सीख रहे हैं, बहुत होशियार हैं। तो इतना सा बोलते हैं, ज़्यादा समझते हैं। जो लोग बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, मेरी राशि क्या है बताओ भाई, राशि बताने का, अब आप इस लेवल के स्टूडेंट नहीं है कि एलकेजी के स्टूडेंट हो, इस वीडियो को सिर्फ वो समझ रहे हैं जिनका बहुत एमए क्लास के बराबर ज्योतिष का अध्ययन है, इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये देव विद्या है, देवताओं की विद्या है, वेदों की विद्या है, वेदों का चक्षु है, उसी को ज्ञान मिलता है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। सभी को चलते फिरते को यह ज्ञान कैसे हो सकता है? मेरे गुरु ने जब ज्योतिष सिखाया था मुझे, मेरी माँ से ये पूछा कि इसकी कुंडली दिखाओ, अगर योग है तो मैं सिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा इसका नाम होगा ज्योतिष के क्षेत्र में, इसकी कुंडली में ऐसा ग्रह बैठा हुआ है, तब से मैं ये काम, मुझे भगवान ने कृपा की मेरे ऊपर। तो हो सकता है आप लोगों की कुंडली में भी ऐसा ही रहा होगा, हमसे भी अच्छे अच्छे ज्ञानी बुद्धिमान लोग हैं आप लोग। तो डरना नहीं, घबराना नहीं, चिंता नहीं। आपके ऊपर जो पीड़ा पहुंचाने वाले ग्रह चल रहे थे उनका विनाश होगा। शत्रु जो आपको ये बोलते थे हु आर यू, अब बोलेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हो, और गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजेंगे, आप कहेंगे सर कैसे हो आप। आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, पैसा, जायदाद, तरक्की, आपकी संतान की तरक्की तथा कुछ एक दो मित्र अच्छे नहीं है, ये बुराई तो सुननी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपकी बुद्धि स्थान पर भ्रमित करने वाले ग्रह राहु की वहां पर उपस्थिति है और उसकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी है। पार्टनर कैसा हो, बुराई से युक्त, सारी पोल खोलने की जरूरत नहीं समझता मैं, अगर बोलना शुरू कर दे तो बहुत कष्ट होगा लोगों को, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत के अनुसार सत्यम अप्रियम न ब्रियात। पता नहीं कौन कैसे मूड में बैठा है और क्या सोचता होगा, तो इसीलिए ऐसे शब्द शालीनता के साथ हम बताते हैं। आप लोग समझदार, बुद्धिमान, गुणवान, धनवान, भाग्यवान लोग हो, इतने भाग्यशालियों में बता नहीं सकता कि गलत मित्र की संगति नहीं करना। आपका पशु, आपका कोई वाहन, किसी की बैटरी खराब, किसी की प्रॉब्लम और माता को कष्ट, तो ये सब समस्याएं, इनका निराकरण होगा। निरंतर अपने इष्ट देवता, कुल देवता, आप सब पूछते हो उपाय बताओ भाई, जो भी आपकी पूजा है अपनी नियमित जो चल रही है उसी को करते रहो, वही उपाय है। अधिकांश रूप से जो लोग इस कलयुग के अंदर हनुमान जी की उपासना करते हैं वो तुरंत फलदायिनी है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, सत्यनारायण भगवान की कथा में भी लिखा है, सत्यनारायण व्रत कथा समस्त पापों का विनाश करने वाली और फलदायिनी है। और उसमें श्री स्कंद पुराण का वर्णन है, तो लास्ट में तभी तो बोलते हैं इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।